Hello guys and welcome back to another video. So today's video we'll learn about the IMU sensor. IMU, yeah, Inertial Measurement Unit. एक इस तरह का सेंसर है जो कि काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में यूज़ होती है, लाइक मिसाइल्स, ड्रोन्स, एयरप्लेन्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, और आपके फ़ोन में भी ये यूज़ होती है, स्मार्टफोन्स में. ओके, सो IMU बनता है तीन तरह के सेंसर्स को यूज़ करके. नंबर वन एक्सेलेरोमीटर, नंबर टू गायरोस्कोप एंड नंबर थ्री मैग्नेटोमीटर. तो IMU आपको हेल्प करता है एक्सेलरेशन फाइंड करने में तीन डायरेक्शंस में, एक्स वाई एंड जी. एंगुलर रेट फाइंड करने में वो भी तीन डायरेक्शंस में, एक्स वाई एंड जी. एंड नंबर थ्री मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने में, वो भी एक्स वाई एंड जी. तो आप देख पा रहे हो IMU आपको नाइन मेजरमेंट्स देता है इन टोटल, थ्री फ्रॉम एक्सेलरोमीटर, थ्री फ्रॉम गायरोस्कोप एंड थ्री फ्रॉम मैग्नेटोमीटर. अब IMU होती है दो टाइप्स की, नंबर वन 9DOF IMU, नंबर टू 6DOF IMU. 9DOF IMU में आपको ये तीनों के तीनों सेंसर्स मिलते हैं, 6DOF IMU में आपको सिर्फ एक्सेलरोमीटर एंड गायरोस्कोप मिलती है. नाउ अब ये जो सेंसर्स की जो आउटपुट होती है इसे हम पास करते हैं थ्रू AHRS, इसका फुल फॉर्म है एटीट्यूड एंड हेडिंग रेफरेंस सिस्टम. इस एटीट्यूड एंड हेडिंग रेफरेंस सिस्टम के थ्रू पास करने के बाद IMU हमें देती है क्वार्टरनियंस. क्वार्टरनियंस को समझने के लिए आप विजुलाइज कर सकते हो कि सपोज कि ये आपका मिसाइल है, तो इस 3D वर्ल्ड में आपका मिसाइल कितना एंगल में है ये बताता है क्वार्टरनियंस. या आपने सुना होगा रोल पिच यॉ के बारे में, तो रोल पिच यॉ भी हम क्वार्टरनियंस से निकाल सकते हैं. रोल पिच यॉ को हम यॉलर एंगल बोलते हैं. तो यार अभी के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है. आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक करें, इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ में देखना वो भी. ओके, सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टाटा.